नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का DHP न्यूज हिमाचल में, जहां हम हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। आज शाम की बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। शिमला सहित देश के 7 कॉफी हाउस पर ताला लगने की नौबत। शिमला सहित देश के 7 प्रतिष्ठित कॉफी हाउस पर तालाबंदी की नौबत आ गई है। कोरोना के मार से इंडियन कॉफी वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले 10 महीनों से देश के 7 कॉफी हाउस में तैनात करीब 250 कर्मियों को वेतन नहीं दे पाई है। मौजूदा समय में सोसाइटी का घाटा बढ़कर 3 करोड़ पहुंच गया है। ऐसे में अब सोसाइटी की प्रबंधन समिति की बैठक बुलाने की तैयारी है। इसके बाद जनरल काउंसिलिंग में देश के सभी 7 कॉफी हाउस बंद करने का फैसला लिया जाएगा। JCB से ढांग पार कर वैक्सीनेशन के लिए पंचायत पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में स्वास्थ्य विभाग की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर अदृश्य वायरस को हराने में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसो की दूरदराज पंचायत सरतियोला में स्वास्थ्य विभाग की टीम को पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल शुक्रवार को टीम चलने फिरने में असमर्थ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरतियोला जा रही थी। सड़क निर्माण के कारण रास्ता खराब हो गया था। टीम ने टीकाकरण के लिए सरतियोला जाने की ठानी और JCB के पंजे में बैठकर ढांग को पार किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के जज्बे की सराहना की जा रही है। जिला परिषद और पंचायत समितियों को पहली बार मिलेंगे तकनीकी सहायक। हिमाचल में जिला परिषद और पंचायत समितियों को पहली बार तकनीकी सहायक मिलेंगे। राज्य के ग्रामीण विकास के लिए पंचायती संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग से मिली करोड़ों रुपए की राशि खर्च न होने के बाद सरकार हरकत में आई है। प्रदेश के ग्रामीण विकास कार्य कराने से पहले जिला परिषद और पंचायत समितियों को ई टेंडर आमंत्रित कराने में परेशानी हो रही थी। इस काम के लिए तकनीकी कर्मचारियों की लंबे समय से दरकरार रही है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समितियों को ग्रामीण विकास करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने 72 तकनीकी सहायकों की तैनाती करने का फैसला लिया है। केंद्र ने बढ़ाया हिमाचल के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का कोटा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का कोटा बढ़ा दिया है। यह कोटा 18 से 44 साल और 45 साल से ऊपर के दोनों वर्गों के लिए बढ़ाया गया है। हिमाचल सरकार ने केंद्र से पहले 1,19,760 डोज मांगी थी। केंद्र सरकार ने इसमें 47,420 डोज बढ़ाकर हिमाचल को 1,67,180 डोज देने का फैसला लिया है। यह जून महीने के लिए जारी की गई है। इसी तरह केंद्र सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी डोज बढ़ा दी है। इसमें 2,52,770 के अलावा 46,630 डोज बढ़ाई है, 2,99,400 बढ़ा दिया है। यह वैक्सीन एक सप्ताह के भीतर आ सकती है। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर निकाली भर्ती। कोरोना संकट के बीच हिमाचल लोक सेवा आयोग ने 43 विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों के लिए 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें फिशरीज विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज के 2 पद भरे जाने हैं। इनमें से एक अनारक्षित और OBC HP का 1 पद भरा जाना है। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर विभाग में डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर के 7 पद भरे जाने हैं। इनमें 6 पद अनारक्षित और 1 पद ST के लिए आरक्षित है। MPP एंड पावर में 34 पदों पर भर्ती होगी। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर के 6 पद भरे जाने हैं। इनमें से 4 पद अनारक्षित, 1 पद ST व 1 पद EWS के लिए आरक्षित है। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर के 26 पद भरे जाने हैं। इनमें 10 पद अनारक्षित हैं और बाकी विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के 2 पद भरे जाने हैं, दोनों पद अनारक्षित हैं। अधिक जानकारी के लिए हिमाचल लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। होम आइसोलेशन खत्म होने के 10 दिन बाद महिला दोबारा कोरोना संक्रमित। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में कोरोना संक्रमण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा, अधिक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मंडी जिला के विकास खंड सुंदरनगर के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य खंड धारंडा के गांव नायली की एक 33 वर्षीय महिला होम आइसोलेशन खत्म होने के 10 दिनों बाद दोबारा कोरोना संक्रमित पाई गई है। इससे साफ प्रतीत होता है कि संक्रमित महिला पहली बार COVID-19 से संक्रमित होने के बाद पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई थी और इसके चलते फिर से संक्रमण की गिरफ्त में आ गई है। इस मामले ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के संक्रमित आने के 10 या 17 दिनों तक आइसोलेशन में रहने के बाद बिना कोविड टेस्टिंग के ठीक होने के दावों की भी पोल खोल दी है। नशे की खेप लेकर दिल्ली से कुल्लू पहुंची केन्या की महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना काल में नशे के तस्करों की धरपकड़ में हिमाचल पुलिस लगी हुई है। प्रदेश के कुल्लू जिला में आए दिन नशे का सामान लाते और ले जाते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं। नशे की तस्करी के मामलों में कई विदेशी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ताज़ा मामले में कुल्लू पुलिस ने चिट्टा सप्लाई करने पहुंची एक विदेशी महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया है। महिला केन्या की रहने वाली बताई जा रही है और चिट्टा लेकर दिल्ली से कुल्लू पहुंची थी। HP पुलिस की शर्मनाक हरकत, बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे पिता को दी गाली। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले स्थित सरकाघाट से एक खबर सामने आई है, जिसमें एक विवाहित युवती ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। वहीं इस मामले में लड़की के पिता ने अपने दामाद और ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप जड़ते हुए कहा कि वो उनकी बेटी को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक तौर से प्रताड़ित करते रहे और इस वजह से उसने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृत लड़की की शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी।
वहीं अब इस मामले में एक और नया मोड़ आया है। दरअसल लड़की के पिता से पुलिस ने बदसलूकी की है और आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी ने पीड़ित पिता से गाली गलौज भी की है। साथ ही पुलिस ने पिता से कहा कि तू नहीं बताएगा कि क्या कार्रवाई करनी है। पिता ने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वह SP मंडी से शिकायत करेंगे। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।